पत्नी के वियोग में खोई सुधबुद, याद रहा बस अपना मासूम बच्चा। नमस्कार, मैं प्रियांशी जैन और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत ही संगीन मामले का खुलासा किया है। इस मामले में एक आदमी ने पत्नी की बेवफाई की वजह से अपनी याददाश्त खो दी और उसे बस अपना मासूम बच्चा याद रहा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 1 दिसंबर की रात उनको एक अननोन कॉल आई थी। उस कॉलर ने पुलिस से कहा कि एक आदमी एक छोटे बच्चे को किडनैप करके इधर उधर घूम रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बच्चे को कंबल में छिपाकर इधर उधर घूम रहा है। पुलिस ने बहुत मुश्किल से उस आदमी को और बच्चे को पकड़ा। उस आदमी से जब उस बच्चे को छीना गया तो वो आदमी उस बच्चे को इशारों में वापस मांगने लगा। उसने पुलिस से उस बच्चे को छीनने की कोशिश भी करी। पुलिस बहुत मुश्किल से उस आदमी और बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। जांच में पता चला कि वह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। पुलिस ने उसकी जान पहचान के लिए कड़ी मशक्कत करी। 12 दिन तक उसका इलाज चलता रहा। 12 दिन के इलाज के बाद वह तोड़ मरोड़ के अपना नाम बता पाया और पता चला कि उसका नाम श्रवण मंडल है और वह बिहार का रहने वाला है। उसने बताया कि वह बिहार के मधुबनी गाँव का है। जब मधुबनी की चुनाव आयोग की लिस्ट को मंगाया गया तो उसमें उसका नाम था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने बिहार पुलिस को कांटेक्ट किया और वह बिहार गए। बिहार जाने के बाद वहां के ग्रामीण लोगों ने उसकी तस्वीर देखकर उस आदमी को पहचान लिया। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस को यह भी बताया कि उस आदमी की बहन और भाई अम्बाला में रहते हैं। पुलिस को उसके जीजा का भी नंबर मिला। पुलिस ने उसकी फ़ोटो भेजकर उसकी जीजा से पहचान करवाई। इसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों को बुलाया। दिल्ली आने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को बताया कि श्रवण ने बंगाल की किसी लड़की से दिल्ली में शादी कर ली थी और अब वह लड़की श्रवण को छोड़कर चली गई। 2 महीने से सभी लोग श्रवण, उसके बच्चे और उसकी पत्नी की तलाश कर रहे हैं, परंतु उनका कोई सुराग नहीं मिला। श्रवण की हालत देख उसके बच्चे को शिशु गृह भेज दिया गया है और श्रवण का इलाज इहबास अस्पताल में चल रहा है। श्रवण हर रोज अपने बेटे से वीडियो कॉल करता है और उसके बाद ही शांत होता है। श्रवण का मानसिक संतुलन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। हम आम तौर पर देखते हैं तो ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, कभी पत्नी धोखा देती है तो कभी पति, परंतु इस मामले में जो पति है उसके मन पर इतना घात पहुंचा, वो अपनी पत्नी से इतना जुड़ा हुआ था कि वो अपनी याददाश्त ही खो बैठा। उसे याद रहा तो सिर्फ अपना मासूम छोटा बच्चा, परंतु उस बच्चे के पास अब क्या ही बचा। उसकी माँ तो उसे छोड़कर चली ही गई और उसके पिता भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पता नहीं उस बच्चे के भविष्य में क्या होगा। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।